सो दोस्तों, आज के टाइम पे यहाँ पर न जाने कितने सारे लोग होंगे जो कि यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पर फेम कमाना चाहते हैं और यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं दोस्तों। बट उनकी दोस्तों एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो कैमरे के सामने आ नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, एक वीडियो शूट नहीं कर पाते एक प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक कैमरे के सामने दोस्तों किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से हमें एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करना है दोस्तों, हम कैसे बोल सकते हैं बेझिझक होकर दोस्तों। आपने देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं दोस्तों, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिनके सामने यहाँ पर कैमरे आते ही दोस्तों उनकी हवा खसक जाती है, ठीक से बोल नहीं पाते, वीडियो शूट ही नहीं कर पाते ठीक से। और काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कि यहाँ पर कैमरे को समझते हैं कि मैं एक सामने वाले बंदे से बात कर रहा हूँ और बेझिझक होकर बोलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बंदा खड़ा है और मैं उस बंदे को समझा रहा हूँ। तो इस तरीके की यहाँ पर आप भी अपना एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करना चाहते हैं, बेझिझक होकर बोलना चाहते हैं, यहाँ पर कैमरे से डरते हो आप, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी नॉलेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो एक लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रख लो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, फेस कैम वीडियो बनाते हो दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पर कैमरा आते ही दोस्तों आपकी हवा खसकती है, यानी आपको डर लगता है कैमरे से, यहाँ पर कैमरा आते ही आपकी नर्वस होने लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करने ही होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स आप लोग बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाते समय सबसे पहले एक बार ट्राई जरूर से जरूर करना होगा कि यहाँ पर हमें बोलना क्या है और मैं वीडियो में बताऊंगा क्या और लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा क्या दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है दोस्तों, और फिर उसके बाद एक बार ट्राई करना है दोस्तों। आपको डायरेक्टली वीडियो शूट नहीं करना, आपको एक बार ट्राई करके देख लेना है कैमरे के सामने कि यहाँ पर मैं लोगों को बताऊंगा क्या। आपको यहाँ पर वीडियो शूट करते समय यहाँ पर ये सोच लेना है कि मैं एक सामने वाले से बंदे से बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपको कैमरा को कैमरा नहीं समझना, चाहे एक फ़ोन का कैमरा सही दोस्तों या फिर DSLR का कैमरा सही दोस्तों, जहां पर कैमरा को भी आपने लगाया है यहां पर दोस्तों, तो उसी कैमरा को आपको एक इंसान बंदा समझ लेना है कि यहां पर मैं किसी बंदे को समझा रहा हूं, किसी बंदे को रिस्पेक्ट दे रहा हूं या फिर किसी बंदे को मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूं दोस्तों। इस तरह की यहां पर आपको सोच रखनी है और अपने माइंड में चलानी है दोस्तों, और फिर आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से। अब दोस्तों, जितना आप कैमरे के सामने यहां पर नर्वस करोगे, जितना यहां पर डरोगे दोस्तों, फिर दोस्तों आपका भी एक वीडियो अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको यहां पर डायरेक्टली एक प्रोफेशनल तरीके से यहां पर आना होगा, यानी कि एक एंट्री मारनी होगी दोस्तों। सबसे आसान तरीका मैं आप लोग बता देता हूं दोस्तों, अगर आप ज़्यादा यहां पर नर्वस करते हो दोस्तों, यहां पर आपके सामने यहां पर कैमरा आते ही आपकी यहां पर थोड़ी सी हटने लगती है दोस्तों, तो आपको यहां पर करने क्या होगा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप लेनी नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जो आप वर्ड बोलोगे दोस्तों, उसकी चाहे 1 मिनट की सही या फिर 50 सेकंड या फिर 20 सेकंड, जितने मिनट की भी वीडियो आपको यहाँ पर लेनी है दोस्तों, तो वो यहाँ पर एक क्लिप ले सकते हैं जगह जगह तरह तरह से। यानी कि आपने एक वीडियो बनाया दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट का, उसके बाद आप 1 मिनट की वीडियो पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों 1 मिनट उसकी यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखकर, फिर उसके बाद एक वीडियो और यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद 1 मिनट की स्क्रिप्ट लिखकर याद करके दोस्तों, उसके बाद एक वीडियो यहाँ पर फिर से ले लीजिए। इस तरह की यहाँ पर वीडियो आप बना ही सकते हैं, यहाँ पर एक मतलब 5 मिनट की वीडियो को आप 6-7 भागों में करके कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद वीडियो एडिट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह के यहाँ पर जो भी आपकी नर्वस है दोस्तों और जो आप यहाँ पर नर्वस करते हैं दोस्तों कैमरे के सामने, वो सारी की सारी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एक वीडियो बना पाओगे, अच्छे तरीके से बोल पाओगे दोस्तों। और मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पर जैसे अगर आपका एक फोन का कैमरा है दोस्तों, तो फोन के कैमरे पे दोस्तों कभी भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मत देखना दोस्तों, ये मैंने काफी पहले एक वीडियो में बताया भी था। आपको कैमरे पे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा, कैमरे पर फोकस करना होगा, जैसे कि हमारा फोन का जो कैमरा होता है दोस्तों वो इस प्रकार होता है, तो यहीं पे हमें देखना होगा दोस्तों। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने कैमरा इधर है दोस्तों, मैं इधर यहाँ पर आप लोगों को देख रहा हूँ, इधर ही मैं देख रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं देखूँ स्क्रीन पर दोस्तों इस तरह से, तो मेरा दोस्तों यहाँ पर फेस कहीं अलग होगा और वीडियो कहीं अलग होगी, तो आपको यहाँ पर फोकस करना कैमरे के सामने, हालांकि स्क्रीन पर नहीं, आपको कैमरे पर फोकस करना, उसके बाद दोस्तों आप एक अच्छे तरीके से वीडियो शूट कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।